देखो जी, पिछले क्लास में हमने किया था, ये किया था पिछले क्लास में किया था SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसके आगे देखो, जस्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे इसमें आप देखो, जैसे हमारा पेज नंबर 16 का क्वेश्चन 16 देखो, पेज नंबर 16 का क्वेश्चन 16 देखो जी। अब 16 में आपको जो मैं बताया था, कंपेयर करना है इलेक्ट्रोड को, जैसे सिंगल नहीं होता है जो मैंने बताया आपको। देखो जी, जैसे क्वेश्चन है, हाउ पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग SHE। तो बताया था पिछले क्लास में, हाइड्रोजन से जिंक मोर रिएक्टिव होता है। तो देखो, जिंक को एनोड पे रखा हुआ है, हाइड्रोजन को कैथोड पे रखा हुआ है। तो डायग्राम थोड़ा तुम्हारे कन्वीनियंट के लिए बना देता हूं मैं डायग्राम, अदरवाइज डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो काम चल जाएगा, लेकिन हम ऐसे देख सकते हैं जो एनोड पे क्या रखा हुआ है, जिंक। हाँ ठीक है, ये आ रहा है, देख लो। जैसे हमारे पास सेम वैसे ही बना लो जैसे मैंने बनाया था। सॉल्ट ब्रिज, इसमें क्या है, जिंक सल्फेट, क्या बनाया था, 1 MSCl। ठीक है, तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, अब देखो जी, अब एक वैसे शॉर्टकट ही फॉर्मूला याद करते हैं बच्चे, लेकिन आपको अभी यूज टू में लाना है किसी भी सेल का वोल्टेज क्यों आता है। तो मेन जो EMF ऑफ सेल का जो फॉर्मूला होगा, जैसे आप वो क्या करें, इसमें हाउ पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड कैन बी डिटरमाइंड, हमें जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिटरमाइंड करना है कितना होगा। तो देखो जी, ई नोड सेल इसका क्या होगा, इसका ई नोड सेल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। देखो जी, अब इधर ध्यान से आप देख सकते हो, मतलब इधर से जितना इसकी एबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन, जितना लूज करेगा उधर गेन करने वाला भी चाहिए, प्लस कर देंगे, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो हमारे पास ई नोड सेल का फॉर्मूला क्या आ गया,
ध्यान दो जी, ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Zn से Zn2+ प्लस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल H+ से H2। देखो जी, अब आपको ये फॉर्मूला बच्चे 12 तक यूज नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि तुम कह रहे हो सर एक जगह आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, एक जगह रिडक्शन करवा रहे हो, तो प्रैक्टिकल बात यही है जी, यही ठीक है जो होना चाहिए। इससे आपको पोलन आएगी जो टेबल में पीछे देखो जी, पीछे पलटो, पीछे देखो टेबल में जो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, इसका क्या दिया है? पीछे रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज कर देंगे, प्लस 0.76, ये तो जीरो है ही, 0.76 वोल्ट हुआ। तो ये जो पीछे लिखा हुआ है टेबल 0.76, ऐसे एक्सपेरिमेंटली निकाल के लिखा हुआ है, जो उल्टा साइन रिडक्शन पोटेंशियल में इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि आगे हमें बता रहा हूं बार बार साइन चेंज करना नहीं पड़े, लेकिन नेगेटिव में तो होता ही नहीं पोटेंशियल, किसी का वोल्टेज होगा तो पॉजिटिव ही होगा, तो नेगेटिव जो पीछे देख रहे हो आप, हमारे कन्वीनियंट के लिए सबको रिडक्शन पोटेंशियल में दिया हुआ है। अब एक काम करो, जैसे ये डायग्राम अभी काम आ जाएगा एक्सेल में, पर इसके आगे मैं बताया था यहां पे। जैसे देखो जी, अब आप कहते हो नहीं, इस पर लिखो और, आप कहते हो नहीं सर हमें रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही चाहिए, जो फॉर्मूला 12 तक यूज करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। देखो जी, ई नोट सेल, अभी जैसे मैंने ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया, क्या लिया? Zn से Zn2+, और क्या लिया? प्लस ई नोट H+ से H2 लिया। तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, ई नोट जी, अब उसको वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर दिया माइनस ई नोट Zn से Zn2+, नहीं उल्टा रिडक्शन कर दिया, Zn प्लस ई नोट H+ से H2, मतलब क्या भाई पहले आ गया, Zn2+ से Zn, E नोट H+ से H2 और E नोट Zn2+ से Zn। ध्यान से देखो जी, E नोट H+ से H2 और Zn2+ से Zn, इसको ध्यान से देखना है। तो अब आप लोगों को लगेगा भाई ये उल्टा ऐसे क्यों आ गया, यही यूज करते हैं बार बार, ये मतलब क्या हुआ? ई नोट कैथोड आ गया, देख लो जी, हाइड्रोजन का है राइट हैंड साइड है कैथोड, उधर देखो, और माइनस ई नोट एनोड आ गया, दोनों किसके टर्म में? रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों किसके टर्म में? रिडक्शन पोटेंशियल। लो जी, यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमेशा बच्चे यूज करते रहते हैं, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, इन टर्म्स ऑफ दोनों को रिडक्शन में, और या तो ऐसे भी करते हैं, इसके बाद क्या लिखते हैं? ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, भी कोई कहते हैं राइट माइनस लेफ्ट, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो आप इसमें रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ई नोट सेल वैल्यू जो है यूज कर सकते हो, ई नोट सेल कैथोड माइनस एनो, तो सीधा आप बिना साइन चेंज के देखो जी, 0.76 ये माइनस होगा, सॉरी जीरो, ये कैथोड पे जीरो, माइनस माइनस ऑफ 0.76 आ गया 0.76 वोल्ट। तो इसको आपको बच्चे बाद में कहते हैं सर जब उल्टा काम भी करना होता है, सेल बनाना होता है, तो आपको दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए होंगे, तो बच्चे कहते हैं भाई हम एनोड पे क्यों दिखाते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि
प्रोपर फॉर्मूला ये है, होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और यहां होता है रिडक्शन पोटेंशियल यहां पे, लेकिन हम अपने कन्वीनियंट के लिए ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिख लो, जगह स्पेस है ही काफी, डायग्राम बना के और ये सब लिख जाना है, ठीक। इसको लिख लो, वीडियो स्टॉप करो, लिख लो। आगे मैं बता रहा हूं जो हमारा क्वेश्चन 17 है, बस इसका उल्टा कैसे है, नोट कर लो पहले इसको, ठीक है। ये 17 में कुछ नहीं जी, सेम ऐसे ही है डिट्टो, ये हमारा इससे अटैच करके हमने बना दिया ये, इसको क्या ले लिया, कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया, ये ले लिया सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये कॉपर हो गया, कॉपर सल्फेट हो जी। अब हम सीधा ये बना लो, वीडियो स्टॉप करो और बना लो, आगे बढ़ते हैं जी, बस आइडिया के लिए है। इसका सेल कैसे है, देखो जी ऐसे सेल है, H2 से H+ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या है कॉपर का है, ऐसे है। तो ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होगा, अब जल्दी अप्लाई करेंगे, जल्दी जल्दी, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, अपने कन्वीनियंट के लिए जो पीछे टेबल देखना नहीं पड़े, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस H+ से H2, उल्टा करना है, H+ से H2 रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज पीछे टेबल देखो 3.4 माइनस 0 0.34 वोल्ट, लिख लो इसको। ठीक है, अब देखो जी मैं एक क्वेश्चन जो कुछ स्कूल में आ जाएंगे बच्चे लर्न नहीं करते, थोड़ा डिटेल बता दिया, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया वो मान लो बाद में जब मैं ऑनलाइन आऊंगा तब पूछ लोगे, लेकिन आप इतना कर जाओ जी, क्वेश्चन जो आते हैं पेपर स्कूल सब एक्स्ट्रा, फाइंड जो 12th का है, फाइंड इनोड सेल ऐसे बना देंगे जी, देखो कैसे लिखे रहेंगे ये, ऐसे ZN से ZN2+, तो सबसे स्टैंडर्ड सेल है कॉपर 2+ से कॉपर। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है जी, बता दिया हूं वैसे, हमेशा एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, तो एनोड और कैथोड पे पहले ये बात होगी, इसको याद कर दो और इसका फॉर्मूला देख लो क्या होता है फॉर्मूला। ई नोड सेल हमेशा याद करो, ई नोड कैथोड मतलब ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, हमारे कन्वीनियंट के लिए और आगे थ्योरी पढ़ने में 12th में बहुत काम आते हैं। तो जी कैथोड पे क्या रिडक्शन हो ही रहा है, डालो रिडक्शन, और माइनस ई नोट एनोड पे देखो। अब तुम देखो जी, यदि तुम चाहते हो यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले, तो फॉर्मूला पहले पढ़ा दिया हूं शुरू में, क्या होता है फॉर्मूला में, E note cell equal to E note oxidation potential plus E note reduction potential, क्योंकि वह voltage कैसे आएगी, जितना लूज करने की ability होगी plus जितना gain करने की, लेकिन जब आप value put करोगे तो sign change करना पड़ेगा, तो हम दोनों को same method same logically पढ़े, तो हम दोनों को क्या ले लिया in terms of reduction potential, और हमने यहाँ put
इसको क्या लिखें उल्टा Zn 2 plus Zn, हमेशा ऑलवेज हम रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे प्लस माइनस, इसका कितना है माइनस 0.76, टेबल देख लो 0.34 प्लस 0.76 1.10 वोल्ट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ एक में अब लॉजिक समझा रहा हूं, इससे आप लिखा हुआ मिल जाएगा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पढ़ाने वाले हूं, पर इसको लिख लो जी एक बार पहले, और थोड़ा जो है ना मैं पीछे लिखवाता हूं, लेकिन आप लोग जैसे ये जो 21 पेज में दो लाइन पढ़ लो जी, मैं इसका फिर चार्ट बना देता हूं कैसे याद रखोगे। क्या है एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल डाटा, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल डाटा जो है उसमें एक रिड्यूसिंग पावर क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, ये दो चीज पढ़ जाओ, फिर मैं पीछे एक नोट में लिख के एक शॉर्टकट समझा दूंगा, पहले आप लोग पढ़ जाओ एक बार। जी पेज 20 में एक डायग्राम एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, उससे मैं याद समझा देता हूं, ध्यान देना लिखो पेज 20 में लिख लो, खाली स्पेस जो है इंपॉर्टेंट नोट,
देखो जी, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्वेल्थ में भी काम आएंगे। देखो जी, यहां पे आपने क्या देखा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो उल्टा सुने सुना होगा, जिसका ऑक्सीडेशन एजेंट होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर है, या रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट या पावर बोलते हैं। इसमें रिड्यूसिंग पावर होती है, कैसे बता रहा हूं, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा क्यों होता है, कुछ बच्चे तो याद कर लेते हैं 11th में, जिसका रिडक्शन होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, इसका मतलब क्या है, ये समझना है, ये अच्छा से समझना है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस अदर, जैसे तुम बोलते हो कोई LIC एजेंट है, तो LIC एजेंट तुम्हारा पैसा नहीं भरता है प्रीमियम, LIC एजेंट जो है वो दूसरे से पैसे लेके तब देता है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है, इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ध्यान दो, नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ मिल जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस क्या होगा, इट ऑक्सीडाइजेस अदर्स बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूसेस अदर बट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो भाई उल्टा होता याद रखोगे। अब देखो जी, आपको ई नोट, इसका जो ई नोट सेल होता है पॉजिटिव आता है, यदि पॉजिटिव आ गया तो सेल हमारा वर्क कर रहा है, सेल फिजिबल है। यदि पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है मतलब क्या है, जो ये सेल जो हमारा है, ये सेल ये वर्क कर रहा है पॉजिटिव। इन केस पॉजिटिव वोल्टेज है तो पॉजिटिव कब आएगा, जब इसका, ध्यान देना, राइट फॉर्मूला क्या है, राइट माइनस लेफ्ट फॉर्मूला क्या है, ई नोट कैथोड माइनस एनोड, इसका क्या होना चाहिए, हायर रिडक्शन पोटेंशियल, इसका क्या होना चाहिए, हायर रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, लो रिडक्शन पोटेंशियल। तभी तो इसका ई नोट सेल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तभी तो इसका ई नोट सेल पॉजिटिव आएगा। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर बट इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड मींस एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मस्ट हैव हायर रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर बट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड मींस अ रिड्यूसिंग एजेंट मस्ट हैव लो रिडक्शन पोटेंशियल एंड देयर फोर ये क्या आएगा, ई नोट सेल विल कम पॉजिटिव, ई नोट सेल पॉजिटिव आएगा। तो उल्टा देखो जी, ऐसे हाइयर, क्योंकि आपको जो आगे क्वेश्चन आएगा आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा, जिसका हाई होगा मतलब यहां पे बैठेगा, जिसका लो होगा यहां पे बैठेगा, तभी तो ई नोट सेल पॉजिटिव आएगा। और इसीलिए एक ही टर्म में टेबल दिया हुआ है, यहां पे आके कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। मतलब फिर से सुनो, ई नोट सेल पॉजिटिव के लिए फॉर्मूला होता है कैथोड माइनस एनोड, इसको हायर रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, इसको लोअर होना चाहिए। जब इस टाइप से हम सेल बनाएंगे तभी ई नोट सेल पॉजिटिव आएगा, एंड हेंस सेल विल बी फिजिबल या सेल सेल कैन बी कंस्ट्रक्ट। तो ऐसे आप इसको याद कर लो, सीधा आप क्वेश्चन पे आओ, जो NCERT में क्वेश्चन मिलेंगे, बुक में क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो जी वही लिखा है, अब आप 21 पेज को पढ़ जाओ, क्या लिखा है, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल डाटा प्रिडिक्टिंग द रिड्यूसिंग पावर ऑफ एलिमेंट, सब जब आ रही है, रिड्यूसिंग पावर ये ऑफ एलिमेंट लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस अदर बट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड।
a reducing agent must have higher lower reduction potential, या कोई क्या याद कर ले, high lower reduction potential या high oxidation potential, या तो oxygen में यहाँ याद रखो जो covalent हो आपको, दोनों में से जो covalent हो याद करोगे क्या होना चाहिए, highest higher oxidation potential या lower reduction potential, वैसा ही उल्टा होता है ये क्या। आगे देखो जी, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाँ जी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको आप कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो। तो इस बारे में क्वेश्चन करो जी, एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के प्लस, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, अरेंज इन क्वेश्चन नंबर 18 करवाओ जी, खुद भी ट्राई पहले पढ़ कर सकते हो फिर देखना। क्या है क्वेश्चन, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, किसका दिया हुआ है, के प्लस से के दिया है -2.93 वोल्ट, जी अब चार पांचों दिया हुआ है, आपको अरेंज करना है रिड्यूसिंग पावर, अभी पढ़ाया है जी, रिड्यूसिंग पावर देखना है आपको, रिड्यूसिंग पावर मींस इजीली ऑक्सीडाइज्ड, इजीली ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूसिंग पावर मीन्स इजिली ऑक्सीडाइज्ड, मतलब लो जी ये वाला रिड्यूसिंग पावर मतलब इजिली ऑक्सीडाइज्ड, मतलब मस्ट हैव लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, क्या होना चाहिए, मस्ट हैव लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, तो भाई देख लो अब हमें मस्ट है, सबसे अच्छा किसका होगा, पोटेशियम का सबसे अच्छा, नहीं क्यों देख लो जी, पोटेशियम का सबसे लोअर है, पोटेशियम के बाद सब, उसके बाद लोअर किसके है जी, Mg, उसके बाद क्रोमियम, फिर Hg, फिर एजी, सबसे कम एजी, जानते भी हो सबसे कम रिएक्टिव सिल्वर, भाई पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, लिस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इजीली ऑक्सीडाइज्ड, तो वैसे भी देख सकते हो और रिडक्शन पोटेंशियल के टेबल में भी देख सकते हो। ये आपको कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट में आंसर लिख दिया हूं, इसको आप ऐसे आंसर पढ़ सकते हो जी, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा 18 सेकेंड पॉइंट है जो पढ़ा चुका हूँ जी, प्रिडिक्टिंग द ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात हो रही है, लिखा हुआ है हेल्प इन ऑक्सीडेशन अदर्स बट इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड मस्ट हैव हायर रिडक्शन पोटेंशियल, लो जी क्वेश्चन दिया हुआ है देख लो, सबसे हायर किसका है, क्वेश्चन 19 आंसर कर जाओ, क्वेश्चन 19 पढ़ जाओ आंसर, पढ़ लिया। तो भाई तीनों का दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल,
सबसे हायर किसका है? ब्रोमीन का, तो आंसर में ब्रोमीन लिखा हुआ है। उसके बाद कॉपर का है तो फिर कॉपर लिखा हुआ है। उसके बाद जिंक का है फिर जिंक लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आप रिडक्शन पोटेंशियल है यूज कर सकते हो जी। ठीक है, ओके। अब देखो टूपेडिक रिएक्टिविटी, ये सब पढ़ लेना जी, ये जानते हो। ये मोर रिएक्टिव है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा मोर रिएक्टिव होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा लेस रिएक्टिव होगा। ये सब जानते हो, मतलब ये आप नया चीज क्या पढ़ रहे हो, पहले पढ़ते थे रिएक्टिविटी सीरीज, अब आप ये कह रहे हो जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका लो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, जो कम रिएक्टिव होता है उसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल उसका होता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो वही आपको ये देखो जी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जैसे मोर रिएक्टिव मटेरियल क्या करता है, जो मोर जैसे मान लो जिंक प्लस क्या पढ़े थे, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखो जी क्या पढ़े थे आप लोग पहले छोटी क्लास में, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या बनता था, ZnSO4 प्लस Cu। मतलब क्या हुआ, जो जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों डिस्प्लेस किया, क्योंकि इसका एनोड सेल पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव कब होगा, जब इसका होगा हायर रिडक्शन पोटेंशियल, इसका क्या होगा लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब सब जगह बात वहीं पे आ गई, यदि सेल रिएक्शन फिजिबल है तो हम और भी सुन सकते हो जी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम जिंक कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते। मान लो आपको पेपर में आ जाए, मान लो ये रिएक्शन दे दे या रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का दिया हुआ हो, जो चाहे टेबल दिया हो पीछे का या दे दिया हो, तो क्या पूछे आपको क्या जिंक कंटेनर में हम कॉपर सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं, तो यदि एनोड सेल पॉजिटिव आ जाए तो क्या बोलोगे, नहीं कर सकते हैं स्टोर। क्यों, जिंक ब्रेक होके कहां पहुंच जाएगा, सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, और कॉपर हमारा अलग हो जाएगा। इसीलिए जिंक कंटेनर में हम कॉपर सल्फेट को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो यही सब लिखा हुआ है रिएक्शन। अब मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्ले लेस रिएक्टिव मेटल फॉर्म इट सॉल्ट, रिएक्शन लिखा हुआ है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन निकल बिकॉज इज ऑफ लोअर। अब आपके पास जो 20 क्वेश्चन है इसको पढ़ जाओगे, 21 क्वेश्चन पढ़ जाओगे, ये सबको समझ में आ जाएगा। अब सीधा आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ एम ऑफ द सेल, नेक्स्ट टॉपिक पेज 24, ये सब बस रिवाइज करना है आगे जो बता दिया हूं मैं, उसी का क्वेश्चन है। एप्लीकेशन पढ़ना है जी, टू प्रेडिक्ट वेदर अ सेल विल वर्क और नॉट, पूछ रहा है क्वेश्चन, प्रेडिक्ट अ क्या दिया है, प्रेडिक्ट टू प्रेडिक्ट वेदर अ सेल विल वर्क और नॉट, पहला क्वेश्चन पेज नंबर 24। आप सिंपल ही कह सकते हो जी, जैसे अभी आपने क्या देखा, एनोड सेल यदि पॉजिटिव आ जाए और एक नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आएगा क्या लिखोगे, यस सेल विल वर्क, ठीक है, पूछ रहे वेदर फॉलोइंग सेल विल वर्क और नॉट। इसमें क्या लिखोगे, नो सेल विल नॉट वर्क, जो ही नेगेटिव आ जाएगा, जैसे आप मान लो कॉपर को उधर डालो जिंक को उधर ले लो, सेल वर्क ही नहीं करेगा, मतलब वर्क नहीं करने का मतलब ई नोट सेल आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखो जी, पूछ रहे हैं हमसे वेदर विल वर्क और नॉट, क्वेश्चन 22। चलो जी, अब आपको भी मैंने सेल बना हुआ है, क्वेश्चन में सेल क्या बना हुआ है, एजी से एजी प्लस,
ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब ध्यान से देखो जी क्वेश्चन को। अब आप जब भी आपको सेल बनेगा, प्रैक्टिकल सेल दिया होगा, हमेशा एनोड पे क्या दिया होगा? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या दिया होगा? रिडक्शन। कुछ बच्चे को पता ही होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए पीछे रिवाइज करके तब पढ़ना। और तो हम फार्मूला क्या होता है ऑलवेज, एनोड सेल इक्वल टू एनोड कैथोड माइनस एनोड एनोड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो अपने मन से साइन चेंज कर दोगे, यहाँ रिडक्शन कर दोगे, Ag प्लस से Ag, देखो वैल्यू 0.34 माइनस 0.80 क्या आ गया माइनस में, नो सेल विल नॉट वर्क। सेल वर्क नहीं करेगा जी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो जी, फिर आपको अभी जो मैंने लॉजिक बताया था इस रिएक्शन का, वही क्वेश्चन है टू प्रिडिक्ट वेदर अ कंटेनर कैन बी यूज टू स्टोर अ सॉल्ट सॉल्यूशन। 23 क्वेश्चन जो है, जल्दी करो जी, बेसिक बना दिया, जल्दी खत्म करो चैप्टर को। क्वेश्चन 23 है टू प्रिडिक्ट वेदर अ कंटेनर कैन बी यूज टू स्टोर अ सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया था जी। वही बात है, रिएक्शन है तो ये सेल है, सेल पॉजिटिव होगा तो हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन है, तो जो टेक्निक दिया है कॉन्सेप्ट, पहले आप क्या करो एनोड और कैथोड बना लो, फिर एनोड सेल निकालो, यदि एनोड सेल पॉजिटिव आया है आता है तो सेल विल वर्क एंड रिएक्शन विल अकर बिटवीन कंटेनर एंड सब्सटेंस, हेंस वी कैन नॉट स्टोर। बस कैन वी स्टोर निकल सल्फेट सॉल्यूशन इन आयरन कंटेनर। ध्यान लो जी, एक क्वेश्चन में 24 कर देता हूं, तो क्या पूछ रहा है, कैन यू स्टोर निकल सल्फेट सॉल्यूशन इन आयरन कंटेनर। कह रहा है आयरन के कंटेनर में क्या निकल सल्फेट सॉल्यूशन स्टोर कर सकते हैं, देखो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। SO4 प्लस Ni सॉलिड, देखो जी जानते हो यहां से यहां 0 से प्लस 2 बड़े ऑक्सीडेशन, निकल से 0 रिडक्शन हो रहा है, आपका सेल क्या बन गया Fe से Fe2+ सॉल्ट ब्रिज, Na2+ से निकल, ठीक है, निकाल दो एनोड सेल, एनोड कैथोड माइनस एनोड एनोड, कैथोड माइनस निकल 2+ से निकल माइनस एनोड Fe2+ से Fe, निकल 2+ से निकल, देख लो वैल्यू माइनस 0.25 माइनस और माइनस 0.44 0.25 प्लस 0.44 प्लस कितना हो गया 0.19 वोल्ट। एनोड सेल कम्स ऑन टू बी पॉजिटिव, हेंस क्या होगा जी, निकल आयरन के नोट बी स्टोर्ड इन निकल सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, देन वो आयरन ये ऐसे होगा निकल सल्फेट NiSO4
cannot be stored in iron container. तो भाई सिंपल ऐसे आप डिवाइस ई नोट से निकाल सकते हो. कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पढ़ा दिया जी, जिंक वाला, जिंक और कॉपर का आपने इतना पढ़ लिया, इसको खुद कर लोगे. ठीक है, आगे देखो. देखो जी, क्वेश्चन 26 ट्वेल्थ में भी है, लेकिन 11th में एनसीईआरटी में भी दे दिया है. तो भाई इसको कर लो, जिस स्कूल में कराएंगे तो कर सकते हो. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इतना टाइम देने के बाद सब बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए. क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो ये बात ध्यान देना, क्वेश्चन को समझना है. वैसे कुछ कॉन्सेप्ट लगा के चलना पड़ेगा. जैसे किसी भी ई नोट सेल को देख के तुम सेल तो बना ही दोगे फिजिबल. हमें ये नहीं पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, पूछ रहा है क्वेश्चन ध्यान से करो जी, पूछ रहा है हमें प्रिडिक्ट वेदर फ्लोइंग स्पीसीज विल रिएक्ट और नॉट. ये पार्ट जो पूछ रहा है हमें रिएक्शन को एज्यूम करना है. एज्यूम और रिएक्शन, तो जी एज्यूम क्या करना है, कह रहे हैं किसके बीच में Fe3+ एंड I-, ध्यान देना Fe3+ और I- को रिएक्शन रिएक्टेंट साइड लेना है. कुछ समय जो है इसको ले लिया. अब होता क्या है, प्रोडक्ट साइड बनाने के लिए बच्चे को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है. तो भाई आप ये जो हिंट में नीचे ई नोट दिया हुआ है, ई नोट वैल्यू दिया हुआ है, इसको देख करके आप एज्यूम रिएक्शन कर सकते हो. कैसे, Fe3+ आपको यहां दिया हुआ है. देखो जी वहां ई नोट क्या लिखा हुआ है, Fe3+ से Fe2+, मतलब 3+ से ये 2+ बनता होगा. I- से वहां पे I2 लिखा हुआ है, I2 बनता होगा. देखो जी मतलब क्या हुआ, तुम कहोगे सर ये Fe क्यों नहीं बन गया, तो कुछ ट्वेल्थ में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, लेकिन जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसको ऐसे ही लोगे. तो 3+ से 2+ जानते हो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या हुआ रिडक्शन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हुआ ये, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन. तो पहले भाई जब तक हम सेल बनाएंगे उससे पहले हम रिएक्शन को देख के बता देख लेंगे जो किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, और फिर हम सेल बना सकते हैं अपने मन से I- से I2 ऑक्सीडेशन, सॉल्ट ब्रिज Fe3+ से Fe2+ रिडक्शन. देखो जी ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लिया है इसे, और फिर वही फॉर्मूला ई नोट सेल का, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. लो जी भाई आपको जब भी लिखोगे रिडक्शन को ऐसे ई नोट Fe3+ से Fe3+ से Fe2+ माइनस ई नोट, उल्टा रिडक्शन के टर्म में I2 से I- Fe3+ चेक कर लो क्या है 0.77 माइनस 0.54 पॉजिटिव आ गया. वोल्ट 0.23 वोल्ट 0.23
तो पॉजिटिव आ गया जी, क्या लिखोगे? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? विल रिएक्ट और नॉट? यस, रिएक्शन विल अकर, रिएक्शन विल टेक प्लेस। क्या होगा? पॉजिटिव आ गया। ई नोट सेल कम्स और टू बी सो रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो सिस्टमैटिक ऐसे क्वेश्चन करते हैं, यदि पॉजिटिव आ गया तो कहोगे नहीं जी रिएक्शन सही था, हो सकता है क्योंकि इनोड से इसका पॉजिटिव आ रहा है। इसको लिखो, फिर खुद ट्राई करो बी पार्ट। एक बार मैं पीछे का थोड़ा बता देता हूँ, कोई बच्चा ये चाहे नहीं सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो हम ऑक्सीडेशन ही करेंगे, यहाँ पे रिडक्शन हुआ तो फिर से एक फॉर्मूला बता देता हूँ, यदि किसी को करने का मन हो तो भाई ये तुम अपने आप ही, ये होगा फॉर्मूला ई नोट सेल, क्या हो जाएगा ई नोट आई माइनस से आई टू प्लस ई नोट Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन यहाँ पे रिडक्शन, तो फर्क क्या होगा? आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, जैसे इसका उल्टा दिया है ना I2 से I माइनस, तो यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस 0.54 प्लस 0.77, तो सेम आ जाएगा 0.23 वोल्ट सेम आएगा, मतलब आप ऐसे फिर कर सकते हो। सी पार्ट, बी पार्ट, बी पार्ट वो लिख दो जी, कॉपर से पीछे दिया है ना इसीलिए नहीं लिखा है, कॉपर का लिख दो वहां बी पार्ट में 0.34। कॉपर का कितना होता है रिडक्शन पोटेंशियल? 0.34, ठीक है। अब देखो जी बी पार्ट में Ag प्लस NCO, तुम पहले क्या करेंगे Ago रिएक्शन क्या लेंगे? Ag प्लस NCO, Ag प्लस NCO, Ag प्लस और CO को आप लोगे तो भाई फिर भी पढ़ाया था Ag प्लस प्लस CO gives that, अब देख लोगे हमारे पास Ag प्लस Ag और CO2 अपने आप बना दोगे, Ag और CO2 प्लस ऐसे बना दोगे, फिर सेल को करोगे कंस्ट्रक्ट करोगे कैसे? CO2 CO2 प्लस दिस इज ऑक्सीडेशन, Ag प्लस से Ag रिडक्शन, तो बना दो सेल कैसे बनेगा? CO से CO2 प्लस, Ag प्लस से Ag, बस यहां पे चेंज हो जाएगा रिडक्शन में Ag प्लस से Ag और CO2 प्लस से CO 0.80 0.34 इक्वल टू 0.46 वोल्ट आ गया पॉजिटिव, फिर यही बालिंग दो, सो रिएक्शन विल टेक प्लेस। देख लो जल्दी लिख लो, किसी किसी का नेगेटिव भी आएगा, दिखा रहा हूं क्वेश्चन आगे मिलने वाला है। जल्दी वीडियो स्टॉप करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो सी पार्ट।
एज्यूम और रिएक्शन। एज्यूम करो जी, देखो क्या लिखा है, एफ ई थ्री प्लस एन बी आर माइनस प्लस बी आर माइनस। सोचना है क्या बनेगा प्रोडक्ट। एफ ई थ्री प्लस से लिखा है एफ ई टू प्लस और बी आर टू से बी आर माइनस, तो क्या बनाओगे। ध्यान देना जी, ये ठीक है रिडक्शन, इसको उल्टा कर देंगे, रिड्यूस फॉर्म में उल्टा कर देंगे, फिर वैल्यू पुट करोगे कितना है एफ थ्री प्लस का 0.77 1.09 पुट कर दो 0.77 और 1.09 वोल्ट पुट कर दो कितना आ गया 0.32 वोल्ट नेगेटिव। ठीक है जी, डेल्टा ई नॉट सेल कम्स ऑट टू बी नेगेटिव। सो रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। बस इतना सिंपल क्वेश्चन आता है इसका। अब आप पीछे से जब रिवाइज करोगे तो सब कुछ आसान लगेगा जी, जब आप पीछे से रिवाइज करोगे तो सब कुछ आसान लगेगा। ओके ठीक है जी, अब आप लोग क्या करो, ये जो आपका है डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक सॉरी ब्लॉक कह रहा हूँ, जो ट्वेल्थ का है इलेवेंथ में जो आपका रिडॉक्स रिएक्शन है इसको पूरा रिवाइज कर जाओ, और रिवाइज करके टेस्ट भी देना है, और इसके बाद आपको जो मैं वीडियो दूंगा एस ब्लॉक का, पहले एस ब्लॉक का शुरू करूंगा, तो एस ब्लॉक करना और इसको पहले क्या करो पीछे से अब रिवाइज करो, अब आपको आसान लगेगा चैप्टर ये। और इसका जो है ना ट्वेल्थ में यूज है, इसीलिए मैं इतना टाइम ले लिया। जो भाई ई नोट से निकालते निकालते सबको याद हो जाना चाहिए भाई, ऐसे फॉर्मूला क्या होता है ई नोट से कैथोड माइनस एनोड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, हमारे कन्वीनियंट के लिए, नहीं तो हम वैसे भी फॉर्मूला ई नोट सेल एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो ई नोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल, जब हम टेबल देखेंगे तो यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म में दिया होगा, उसका साइन चेंज कर लेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे पहले आता तो साइन चेंज होता है, पहले आया था माइनस में और प्लस ये होता है, तो आंसर सेम आता। ठीक है, इतना कर लो। ओके okay.